कम से कम जो एक करे वहां नमाज पढ़े, हज से ना पढ़े, अच्छी तरह पढ़े, पर एटलीस्ट जो मेरा मौला है, जो मेरी बॉडी है, वो ये देखे कि शाम के वक्त, नमाज के वक्त जो ये बच्चे हैं खेल रहे हैं, कोई दुकान पे तो मत है, कोई मोहल्ले में तो, कोई गली में, कोई दूसरे एरिया में तो घूम नहीं रहा है एस्पेशली। और हुआ क्या, वो आहिस्ता 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 सारे मस्जिद की तरफ रागिब हुए, और मैं बंदा उसमें शिकार नहीं हुआ। एक भी आदमी को, एक भी बच्चे को आज तक इस में कोई एफआईआर लॉज नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है, हम सिर्फ कहते हैं और करते काम है। 2008 में जब डेडिक्शन सेंटर की बुनियाद पड़ी, सब लोग बोलते थे ड्रग एडिक्शन नहीं। आज मैं दोबारा के लोगों से पूछता हूं, आप लोगों का क्या मानना है, क्या ड्रग एडिक्शन है या नहीं है? अपने दिल से पूछो। पुलिस के लिए नहीं बोलना, सरकार के लिए नहीं बोलना, अपने कौम के लिए बोलना, क्या ड्रग एडिक्शन है या नहीं है? अगर ड्रग एडिक्शन है तो हम कर क्या रहे हैं? 2008 में जब हमने यही बात पूछी, सब लोग बोलते थे कोई ड्रग एडिक्शन नहीं है। लेकिन आज के डेट में, पिछले 12 साल में, 14 साल में, आज मैं देखता हूं हर पॉलिसी मेकर, हर ऑफिसर, हर पॉलिटिशियन, हमारे जो हेड ऑफ द रीजन है, सब बोलते हैं ड्रग एडिक्शन पेरेंट्स के लिए। बस मैं यही कहूंगा कि पहली बात तो ये कि आपके बच्चे हैं तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी यही है, बुढ़ापे का सहारा भी यही है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान आप इन पर दीजिए। आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, वो उस पर नज़र रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा उस पर शक करिए, लेकिन बिल्कुल उसकी हर बात को मानना भी सही नहीं है। वो पैसे कहाँ पे खर्च कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, कहाँ जा रहा है, मोबाइल फ़ोन पे क्या देख रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, तो अपने बच्चे को आप टाइम दीजिए। जब भी आप घर पे आते हैं तो बच्चों से बात करिए, उनके मसले सुनिए, क्या खेला, क्या कूदा, किसके साथ घूमा, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ना सिर्फ अपना बच्चा, बल्कि मैं कहता हूँ आपको जो पड़ोस का बच्चा है उस पर भी नज़र देनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि पड़ोस का बच्चा कोई गलत हरकत में फंसा हो और आप उसको नहीं टोके, लेकिन पीठ पीछे वो पड़ोस का बच्चा आपके बच्चे का भी दोस्त है, तो वो भी गलत हरकत में फंसेगा। जब आग लगेगी तो आपके घर में भी आग फैलेगी। सर, बिल्कुल हमारी नज़र उन लोगों पे है जो इसमें पेडलिंग में लगे हुए हैं और जो दूसरा ड्रग अब्यूज़ में भी लगे हुए हैं। इसकी तादाद को देना तो मेरे बस में इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं जो भी बोलूँगा ये तो हमारे अपने छोटे से सैंपल साइज़ के बेसिस पे ही बोल पाऊँगा। कोई डिटेल सर्वे मैं इस तरीके से नहीं बोल सकता। हाँ, डिटेल सर्वे इसके पहले जम्मू कश्मीर का हुआ भी है, जो कि कई सारी स्टडीज़ पब्लिश भी हुई हैं, 4 साल पहले भी हुई हैं, अभी रिसेंट में भी पब्लिश हुई हैं, तो वहाँ से हमें डेटा मिल जाएगा। लेकिन रही बात पेडलर्स की कि कहाँ से ट्रैफिकिंग होती, सबको पता है कहाँ से आता है, क्या उसका रूट है, उस पर हमारी पूरी नज़र है। और पीछे भी हमने इसमें बड़ी कार्रवाई की है, इस साल हमें इसमें काफ़ी अच्छी सफलता भी मिली है। अभी तक के 2 महीने के अंदर हमने कुछ 2.5 से 2.5 किलो हीरोइन पकड़ ली है, 4-5 किलो चरस वगैरह भी पकड़ लिया है, 6,000 से ज़्यादा बैन टैबलेट्स पकड़ लिए हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा काम चलता रहेगा और हमें उम्मीद है कि आगे और भी बड़े हम कामयाबी इसमें हासिल करेंगे और बड़े बड़े पेडलर्स को इसमें गिरफ्त में अपने ले आएंगे। थैंक यू सर।